बाइक पर सवार होकर गन पॉइंट पर गोल्ड चेन और ईयर रिंग लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़ हो गया है। थाना फर्श बाजार और स्पेशल स्टाफ की ज्वाइंट टीम ने दोनों आरोपियों को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। गिरफ्तार बदमाश ट्रांस यमुना क्षेत्र में 10 से अधिक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनकी शिनाख्त यूपी के बागपत जिले के चिरोड़ी स्थित ललियाना गांव के 23 वर्षीय राशिद उर्फ अन्नू और गाजियाबाद जिले के फरूख नगर निवासी 37 वर्षीय राशिद के तौर पर हुई है। दोनों सगे साड़ू हैं। इनसे ज्वेलरी खरीदने वाले सुनार को भी नंद नगरी से अरेस्ट कर लिया गया है, जिसकी शिनाख्त 27 वर्षीय राजन सोनी के तौर पर हुई। पुलिस ने इनसे 10 गोल्ड चेन, 6 जोड़ी ईयर रिंग, चोरी की बाइक, 80,000 कैश, कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए। डीसीपी शाहदरा आर सत्य सुंदरम ने बताया कि 24 अगस्त को थाना फर्श बाजार में लूट के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। एनएसए कॉलोनी निवासी शिकायतकर्ता नाजिम ने अपनी शिकायत में बताया था कि वो अपनी पत्नी के साथ मेट्रो मॉल से अपने घर वापस लौट रहे थे। जब वो काली माता मंदिर चौक पर पहुंचे तो अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़कों ने उनका रास्ता रोका। पति पत्नी ने विरोध किया तो बदमाशों ने पिस्टल तान दी। बदमाश बंदूक की नोक पर सोने की चेन लूटकर भाग गए। थाना फर्श बाजार में एफआईआर संख्या 519/21 अंडर सेक्शन 392/397/34 के तहत तुरंत मामला दर्ज किया गया। बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए राजेश मीना एसीपी शादरा की सुपरविजन में दो टीमें बनाई गई। थाना फर्श बाजार एसएचओ मंगेश गैडम के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अनुज चौधरी, कांस्टेबल विकास हुडा, कांस्टेबल सुमित और कांस्टेबल लोकेश की एक टीम बनाई गई। दूसरी टीम में स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर हीरा लाल के नेतृत्व में एएसआई सचिन, एएसआई वेदपाल, एएसआई केपी सिंह, हेड कांस्टेबल देवेंद्र, हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल आदेश, कांस्टेबल सचिन, कांस्टेबल जगमोहन और कांस्टेबल अमित गुलिया को शामिल किया गया। जांच टीमों ने सबसे पहले अपराध स्थल से 6 किलोमीटर तक के मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ साथ आरोपियों के आने जाने के रूट का पता लगाया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान फर्श बाजार की टीम ने देखा कि ये लुटेरे सुंदर नगरी की कोड़ी कॉलोनी में एक शख्स से मिले हैं। टीम ने उस सस्पिशियस शख्स की गतिविधियों पर नजर रखी। सस्पिशियस शख्स की पहचान आस मोहम्मद पुत्र मिट्टू शाह निवासी कोड़ी कॉलोनी सुंदर नगरी के रूप में हुई। सस्पिशियस शख्स ने पुलिस इंटेरोगेटर दौरान लूट में शामिल दोनों अपराधियों की पहचान यूपी के बागपत जिले के चिरोड़ी स्थित ललियाना गांव के 23 वर्षीय राशिद उर्फ अन्नू और गाजियाबाद जिले के फरूख नगर निवासी 37 वर्षीय राशिद के रूप में की। बदमाशों की पहचान होते ही स्पेशल स्टाफ ने दोनों आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। बदमाशों को पकड़ने के लिए स्पेशल स्टाफ ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वे फरार पाए गए। बदमाशों के परिवार के सदस्यों से सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन बदमाशों का कुछ पता नहीं चला। हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी की टीम ने टेक्निकल सर्वेलेंस से रॉबर्स का पता लगाया। स्पेशल स्टाफ की टीम ने आखिरकार दोनों लुटेरों को भोपुरा यूपी से पकड़ लिया। इंटेरोगेशन के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने ट्रांस यमुना क्षेत्र में बंदूक की नोक पर कई लूट की है। वो लूटे सोने के गहनों को नंद नगरी निवासी राजन सोनी नामक एक जौहरी को बेच देते थे। इनकी निशानदेही सुनार राजन सोनी को पकड़ लिया। सुनार ने बताया कि राशिद उर्फ अन्नू 2 महीने पहले मिला था। वो सीमापुरी स्थित उसकी दुकान पर ज्वेलरी खरीदने आया था। कुछ दिन बाद वो 4 गोल्ड चेन बेच गया, जिनमें 3 के 80,000 रुपए की पेमेंट कर दी थी। एक चेन साबुत बरामद कर ली गई। आरोपियों की निशानदेही पर 10 गोल्ड चेन, पिस्टल, 6 कारतूस, 6 सेट सोने के कुंडल और बाइक बरामद किए गए। एक बाइक साहिबाबाद थाना इलाके से चोरी की गई थी। पुलिस फिलहाल दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में इनकी की गई वारदातों की छानबीन कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।